टेंथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है टेंथ के लिए और आगे चल के ट्वेल्थ में भी काम करते हैं। ट्रिगो का एक अपना अलग पहचान है, इसलिए इसको जितना अच्छा से पढ़ लें वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका नॉर्मली पार्ट कितना होता है, क्या क्या होता है इसमें? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका मान याद क्या क्या रखना पड़ता है, पहले तो मान सीख लें। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री और 60 डिग्री या 90 डिग्री का मान इसका याद रखना पड़ता है। इसको याद नहीं रखना है, ट्रिक्स सीख लें जो कि जब भी ज़रूरत पड़े निकाल लेना। करते क्या, पहले देखना है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट लेना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए, लास्ट का होगा 4 से, तो 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सबका अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाएगा। 1/4 का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका √3/2, इसका हो जाएगा 1। हमको मान रखना कैसे, साइन थीटा का रखना है। साइन थीटा यहाँ से लेंगे, सीधा उठा कर रखते चलेंगे, 0 है यहाँ, 0 डिग्री का मान हुआ, 30 डिग्री कितना है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। फिर कितना है 1/√2, तो 1/√2, फिर हो गया क्या, √3/2, उसके बाद 1। कॉस थीटा का लिखना है, इस साइड से उल्टा करके लिखते हैं तो क्या होगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जब ये लिख लेंगे उसके बाद क्या करना बचा, क्या टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक। इसको करने के लिए एक अलग तरीका, पहले इसको नोट कर लेना है। अब आगे देखते करना क्या, पहले तो सेक और कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक थीटा होता क्या, 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। जैसे हमको निकालना होगा कोसेक 60 डिग्री का मान, तो इसको लिख देंगे 1/sin 60 डिग्री, तो 1/sin 60 का मान यहाँ से देख लेंगे कितना है, √3/2, तो √3/2 डाल देंगे, पलट जाएगा। क्या होगा, पलटता कैसे ये भी देख लेना, यहाँ नीचे में क्या है 1/1 नहीं कुछ है, तो ऐसे चेंज होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में ही रहता है, तो क्या हो जाएगा √2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही चेंज करना, मतलब क्या है, कोसेक का मान साइन का जो भी उसका सीधा उल्टा होते चला जाएगा। तो यहाँ 0 है तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइन। 30 डिग्री का मान 2 होगा, 45 का मान √2, 60 डिग्री का मान 2/√3, 90 का मान 1। उसी तरह जब सेक का निकालना होगा, सेक का क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है 1/cos थीटा, मतलब सीधा ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। पलटेंगे तो क्या होगा, इसको पलटेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा √2/√3, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अनडिफाइन। अब बचता है टेन थीटा और कॉट थीटा का, इसको पहले नोट कर लेना फिर आगे। तब अब देखते हैं टेन थीटा कैसे बनता है। टेन थीटा क्या होता है, फार्मूला ही याद रखना इसका, होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे हमको टेन 30 डिग्री का मान चाहिए होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 30/cos 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना है, ऊपर से देख लेंगे तो पता चल चुका है, 1/2। कॉस 30 का मान देख लेंगे तो क्या है, √3/2, चेंज करेंगे
क्या होगा, टू बाय टू रूट थ्री कट जाएगा, तो वन बाय रूट थ्री। ऐसे ही सबका मान चेंज करके निकाल लेंगे, तो हम निकाल करके लिख देते हैं, नोट कर लेना। हाँ तो क्या हो जाएगा, जीरो बाय वन तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया वन बाय रूट थ्री, ये हो गया वन, ये हो गया रूट थ्री, ये हो गया अनडिफाइन। अनडिफाइन का हिंदी होता है अपरिभाषित, क्या होगा वह परिभाषा। कॉट थीटा लिखना है तो कॉट थीटा क्या करेंगे, इस साइड से यदि पलट करके लिख देंगे तो टेन को उल्टा करेंगे तो किसका मान हो जाएगा, कॉट का। तो ये पूरा फिगर को कर लेना, उसके बाद आगे फिर चलते हैं, इसका जो बेसिक फार्मूला उसको करके टेंथ में जो फार्मूला का यूज होता है उसको बता रहे हैं। अब सबसे पहला चीज़ जो पूछा जाता है, जैसे साइन थीटा होता है, क्या ये देखना, साइन थीटा होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बाय आधार। कॉस थीटा लंब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बी बाय एच, इंग्लिश होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बाय कर्ण। कॉस के बाद टेन थीटा पी बाय बी, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बी बाय पी, आधार बटे लंब। सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है पता है पहले से, क्या होगा एच बाय बी, कर्ण बाय आधार। कोसेक थीटा साइन का उल्टा, तो एच बाय पी, कर्ण बाय लंब, परपेंडिकुलर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लेना है, इसमें कुछ का रिलेशन भी ये भी देखना है, जैसे ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। तो लिखेंगे कैसे, जैसे हमको कोसेक थीटा कहीं लिखा हुआ मिल चुका है, इसको हम जब बन तब वन बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, या वन बाय कोसेक थीटा लिखा हुआ मिल गया, इसको जब बन तब हम साइन थीटा में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरह जब वन बाय कॉस थीटा लिखा हुआ हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और वन बाय सेक हो तो उसको भी चेंज करके हम कॉस थीटा में ला सकते हैं। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख जाए तो क्या होता है, टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा। तो वन बाय टेन रहेगा तो वन बाय कॉट थीटा हो जाए तो टेन थीटा, टेन यहाँ लिखा हुआ है टी ए एन, टेन थीटा। यदि वन बाय टेन थीटा हो जाए तो कॉट थीटा हो जाएगा, इस सबको नोट कर लेना। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन थीटा इक्वल टू दे दिया सिक्स बाय टेन, तो हमको याद करना है फार्मूला क्या होता है, क्या है पी बाय एच दिया हुआ है। पूछा जाएगा कॉस थीटा, क्या पूछ लिया, कॉस थीटा टेन थीटा सिक्स थीटा कुछ भी पूछे, कॉस थीटा ही पूछा, तो याद क्या रखना, इसका फार्मूला होता है पी बाय एच। फार्मूला इसका होता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच हमको निकलना होगा तो हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ से हमको परपेंडिकुलर ही निकालने के लिए पूछा जाए, परपेंडिकुलर ही नहीं पता हो तब क्या करेंगे, तब यहाँ से एक्सचेंज करेंगे, परपेंडिकुलर निकालना, बी को इधर ला क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि बेस ही पूछा जाए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को बनाने में पी एच पता है हमको, बी नहीं पता है, तो बी निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, नीचे जो लिखा हुआ है हाइपोटेनस कितना है टेन है, परपेंडिकुलर सिक्स है, तो लिखेंगे क्या हम टेन के स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना सिक्सटी फोर। सिक्सटी फोर किसका स्क्वायर है, एट का, किसका स्क्वायर है एट का, तो हमको बी पता चल गया क्या है एट है,
इसको एक बार वीडियो को रोक करके तब नोट करना है, वीडियो में यदि लिखने का टाइम जाए तो वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमको पता चल चुका है बेस कितना निकल चुका है, यहाँ 8 निकल चुका है। हमको लिखना क्या है, कॉस थीटा लिखना है, टेन थीटा लिखना होगा, सेक थीटा लिखना होगा, कोसेक थीटा लिखना होगा और कॉट थीटा, यही 6 पूछा जाता है। तो ये 6 योग लिखने के लिए क्या, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, तो बी का मान 8 है, एच का मान 10 है। टेन थीटा पूछा जाए तो पी बाय बी, परपेंडिकुलर कितना है 6 है, बी कितना है 8 हो गया। यदि सेक थीटा पूछा जाए, सेक क्या होता है, एच बाय बी, तो एच कितना है 10/8। कोसेक पूछा जाए तो एच बाय पी, मतलब 10/6। कॉट थीटा पूछा जाए बी बाय पी है, तो इसका उल्टा पी बाय बी का उल्टा बी बाय पी, तो क्या हो जाएगा 8/6। तो इसको नोट कर लेना, ऐसे ही करके आगे कुछ भी वैल्यू दे निकाल लेना है। एच पी बी का रिलेशन बस वही 3 जो फॉर्मूला लिखा है उसी से निकलता है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड 1 से 2 प्रत्येक ईयर पूछ रहा है, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब त्रिकोणमिति का जो फार्मूला सॉल्व करना उसको कैसे करें, जैसे ट्रिगो का बोला जाता है, ट्रिगो की ये बेसिक फार्मूला याद रखना है। साइन को यदि चेंज करना होगा हमको, 90 माइनस थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बदल के कॉस थीटा में चला जाता है। यदि कॉस को हम 90 माइनस थीटा पर चेंज कर देते हैं, बदल के किस में चला जाता है, साइन थीटा में। टेन को यदि 90 माइनस थीटा करेंगे तब कॉट थीटा, कॉट को यदि 90 माइनस थीटा करेंगे तब टेन थीटा, सेक को यदि 90 माइनस थीटा करेंगे तब कोसेक थीटा, कोसेक को यदि 90 माइनस थीटा करेंगे तब सेक थीटा। इसको ध्यान रखना, ये फार्मूला को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल दे, यदि क्वेश्चन ऐसा दे दिया साइन 72 डिग्री बाय कॉस 28 डिग्री, अब तक इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही फार्मूला याद आएगा तो हमको पता है 90 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बदल क्या हो जाता है, साइन बदल के कॉस में जाएगा, कॉस बदल के साइन में जाएगा। और बिहार बोर्ड का बहुत हैवली क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ट्रिगो को ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है 12th में भी जाके, 10th में भी, अपना एक अलग पहचान है इसका, इसलिए इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस पर मेहनत कर लेना है। जैसे इसको चेंज करेंगे तो करना क्या है, साइन 72 है, ई एड करके देखना, दोनों एड करेंगे तो 90 हो रहा है, 72 28 नहीं लेना, 18 लेना है। दोनों एड करके कितना पुरना चाहिए, हमेशा 90 ही पुरना चाहिए। क्या होगा, ये साइन 72 को रहने देते हैं, कॉस वाला को बदलते हैं, कॉस वाला को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 90 में 72 को माइनस करेंगे 18 ही आएगा, मान में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है जैसे 90 यहाँ आ गया, यदि बदल किस में हो जाएगा, साइन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 72 बाय कॉस 72, अब दोनों सेम आ चुका है, कट गया, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला ज़रूरी है, और इसको देख करके प्रैक्टिस कर, कुछ भी पूछा जाए, ऐड करके क्या होना चाहिए, सिर्फ 90 पॉइंट, और रिलेशन क्या होना, साइन कॉस में 10 के साथ 10 के साथ कॉट होना चाहिए, सेक के साथ कोसेक होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए। अब इसमें और आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इसमें आता है एक ट्रिगो का फार्मूला ही सॉल्व करना, ट्रिगो का अपने आप में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे काटते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए बस दो से तीन फार्मूला, ज़्यादा नहीं याद रखना, 3 से 4 फार्मूला याद रखना। जैसे पहला आता है सबसे हैवी फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये इसको VVI होता है, ये सब फार्मूला VVI। जैसे साइन में हमको लिखना है, साइन स्क्वायर मान के चलते दे दिया 3 प्लस कॉस में भी क्या दे दिया 3, तो 3 का मान हम निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसका मान क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मान के रख देते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
60 डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए, प्रूफ करना हमको। तो इस साइड लेके चलते हैं, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान खुद से नोट करके सॉल्व करना ऐसे हम यहाँ कर रहे हैं। कितना होता है साइन 60, 2/√3 या √3/2, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर यही होता है। तो √3/2 के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 3/4 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया LCM 4, तो 3 + 1 तो मतलब 4/4 कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे। ये तो अब इसको उल्टा पुल्टा करके भी क्या करना है, सॉल्व कर लेना। जैसे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अब हमको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा ही निकालना होगा, तो 1 - sin² θ हो जाएगा। यदि कॉस थीटा ही निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 - sin² θ। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तब क्या होगा, 1 - cos² θ। यदि साइन थीटा निकालना होगा तब रूट इधर से स्क्वायर हटेगा तो सर क्या जाके बन जाएगा, रूट। रूट डालेंगे तो क्या होगा, 1 - cos² θ। इसमें ये सीरीज हुआ, एक ये याद रखना है, sec² θ - tan² θ = 1। दूसरा क्या होता है, इसमें वैसे करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, sec² θ = 1 + tan² θ। तो sec² हो जाएगा रूट के अंदर 1 + tan² θ। जब यहाँ से टेन हमको निकालना होगा तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, tan² θ क्या होगा, 10 माइनस में इसको उस साइड लेकर चल जाएंगे प्लस में चला जाएगा, 1 इधर प्लस में, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो sec² θ + 1 में आ जाएगा, sec² θ - 1 उधर से प्लस में आया तो इधर माइनस। तो यहाँ से 10θ निकालना होगा तो रूट के अंदर sec² θ - 1। अब इसका दूसरा, ये दूसरा हो गया फार्मूला। तीसरा सीरीज आता होता है cosec² θ - cot² θ = 1। यहाँ जब हम cosec² को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 1 + cot² θ। cosec² θ = हो जाएगा रूट अंदर 1 + cot² θ। इसी तरह जब cot को निकालना होगा तो cot क्या होगा, रूट के अंदर cosec² θ - 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि cot को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, 1 इस साइड लाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो cosec² θ - 1। इसको नोट करके एक बार दो बार खुद से सॉल्व भी करना, जिससे फार्मूला क्या हो पूरा पूरा याद हो जाए। जिससे क्वेश्चन बनाने वक्त फार्मूला क्वेश्चन लिखे, फार्मूला दिमाग में घूम जाना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन दे दिया, cos a / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a = 2 sec। ये प्रूफ करना है हमको, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम LHS ले को चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, LHS को। एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को पहले, cos a / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a। अब दोनों का LCM लेना है, LCM क्या हो जाएगा, 1 + sin a * cos a। LCM का रूल की इससे डिवाइड करेंगे तो cos a बचेगा, तो cos² a क्या हो जाएगा, cos² a + 1 + sin a² तो हो गया cos² a ही। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 sin a + sin² a बाय cos a * 1 + sin a। जब इसको इसको और इसको अभी जस्ट फार्मूला लिखा है, sin² a + cos² a का मान 1 होता है, तो उसका मान हम 1 लिखते हैं, तो 1 + 1 + 2 sin a बाय क्या होगा, cos a * 1 + sin a। अब 1 + 1 2 हो गया, इसको लिख लेंगे 2 + 2 sin
ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए। टू टू दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे, क्या करेंगे टू टू दोनों में है तो कॉमन जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए रूट अंदर वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट जाएगा, बचा क्या टू बाय कॉस ए। अभी जस्ट बताए थे वन बाय कॉस ए होता है सेक ए, तो हो जाएगा क्या टू सेक ए इक्वल टू आर एच एस, नीचे लिख लेंगे। हैंस प्रूव्ड, इसको लिख लेना आराम से, स्क्रीनशॉट कर लेना, मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहा है वन प्लस कॉस ए बाय वन माइनस कॉस ए दोनों में रूट है, इक्वल टू प्रूव करना कॉस ए के प्लस कॉट ए, चलना एल एच एस से ही। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है वन प्लस कॉस ए बाय वन माइनस कॉस ए, रेशनलाइज जब करते थे हमेशा किसका का नहीं लिखा हुआ रहता है तो हर का करेंगे, मतलब नीचे वाला पार्ट का करते हैं, डिनोमिनेटर का तो क्या होगा वन प्लस कॉस ए बाय वन प्लस कॉस ए। सेम नंबर से हम दोनों पार्ट में यदि मल्टीप्लाई कर काटना चाहे तो काट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई किए। अब इसको फार्मूला में सेट करेंगे, ये ध्यान से देखना क्या है दोनों सेम नंबर, तो ऊपर में तो स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे जरा गौर से देखना क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो फार्मूला को याद कर लेना एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो नीचे में क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला को याद करना, भी जो लिखाए थे वहाँ प्रूफ जो किए थे तीनों सीरीज वहाँ से क्या आया था वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो दोनों पर स्क्वायर द रूट हट जाएगा। रूट का मतलब भी याद रखना, कोई भी संख्या पर जैसे एक्स के अंदर रूट है इसका मतलब होता है एक्स के पावर वन बाय टू, रूट का मतलब पावर वन बाय टू, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जैसे एक्स के पावर वन बाय टू इसका स्क्वायर करेंगे तो टू टू ही कट के क्या होता है एक्स बाहर आ जाता है, चीज़ को ध्यान रखना है। क्या होगा वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए, अब दोनों का अलग अलग कर देना, क्या करना दोनों को अलग अलग कर देना, क्या हो जाएगा वन बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा वन बाय साइन ए, बताए थे क्या होता है कॉस एक में चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है कॉस एक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या आर एच एस, प्रूफ लिख देंगे हो गया। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बताना जो कि बिहार बोर्ड को नंबर काटने कोई रास्ता नहीं मिले, और फुल फुल जितना मार्क्स का नंबर उतना मार्क्स दे, इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। अब ये क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे इसमें करना क्या है प्रूफ करना, क्या करना इसका मान निकालना, ये इक्वेशन दिया रहेगा इसमें वैल्यू रखना, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान नहीं निकाल कर रखना क्योंकि सेवन है, यदि इसको चेंज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एट बाय सेवन, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इससे अच्छा है कि फार्मूला को इसको ही प्रूफ करके निकाल के आगे बढ़ जाए, ज़्यादा कैलकुलेटिव से आसान क्या है जो आसान तरीका उसको लेके चलें। क्या होता है फार्मूला ये तो पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे में वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला किस में बदल करता है साइन स्क्वायर, अब कॉस बटे साइन भी पता होता है क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये पता है हमको यदि इसको टेन को यदि कॉट में लेके जाना होता है तो क्या करते हैं हम वन बाय टेन थीटा, मतलब यदि वन बाय एट बाय सेवन हम निकालते हैं तो सोल्व हो क्या हो जाता है सेवन बाय एट आ जाता है, तो बस सेवन बाय एट का क्या करना है
स्क्वायर निकाल देना तो 49/64 हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। अब जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से लेकर चल सकते हैं। तो बार एल एच एस को लेकर चलें तो आपकी बार भी एल एच एस को लेते हैं, आर एच एस में सिर्फ रेशनलाइज करेंगे निकल जाएगा। इस साइड से करेंगे तो क्या होगा, हमको लेकर चलना क्या एल एच एस, तो होगा क्या सेक थीटा को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos θ - sin θ / cos θ का क्या है होल स्क्वायर है। तो एल सी एम जब लेंगे नीचे में क्या है कॉस ही है, तो कॉस ही रह जाएगा। ऊपर में क्या हो गया 1 - sin θ का होल स्क्वायर, ऊपर को रहने देंगे सिर्फ नीचे का स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin θ का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, कॉस स्क्वायर थीटा को जब मन तब हम लिख सकते हैं 1 - sin² θ, तो इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin θ का होल स्क्वायर बटे 1 - cos² है तो 1 - sin² θ। अब ये भी पता है ये एक है तो इसका नहीं है कुछ, तो स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी होता है a+b (a-b)। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 - sin θ का होल स्क्वायर बाय 1 + sin θ (1 - sin θ) 1 - sin θ एक, 1 - sin θ ऊपर से कट गया तो बचा क्या 1 - sin θ बटे 1 + sin θ इक्वल टू क्या आर एच एस, प्रूफ हो गया। अब इसको उस पार्ट से भी लेकर चलेंगे, सिर्फ क्या करना है 1 - ऊपर में है 1 + नीचे में, तो 1 - से ही गुना कर देना 1 - sin θ बटे 1 - sin θ से गुना कर देंगे तो दोनों कट कर नीचे, फिर यही नीचे से सॉल्व होते हुए चलें, जो ये आया ऊपर से हो क्या होगा नीचे से स्टेप बढ़ते, यहाँ के बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, तो अपना मन जिधर से बनने का बना लेना है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ जैसे रहेगा sin²(-cos²)/sin²θ - cos²θ = क्या दिया हुआ है 1। बिहार बोर्ड मैक्सिमम इसी क्वेश्चन को पूछ, इसी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को अधिकतर पूछ रहा है, इसलिए इस फार्मूला वाला क्वेश्चन को हर एक को प्रैक्टिस कर, जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको बना करके देखना, नहीं बने तो कमेंट में उसका फोटो भेज देना, हम सॉल्व कर देंगे। करना क्या है इसको ये देखना, पहले इसको पावर फोर इसको होल स्क्वायर के रूप में हम लिख लेते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में नोट करेंगे तो क्या होगा sin²θ(-cos²θ) / sin²θ - cos²θ लेके क्या चल रहे हैं एल एच एस, प्रूफ क्या करना है आर एच एस को दिखा देंगे। अब ध्यान से देखना, इसको यदि ए माने इसको बी माने तो क्या हो गया a² - b² जब ऊपर से करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, क्या हो जाएगा a+b (a-b) sin²θ + cos²θ (sin²θ - cos²θ) नीचे ऑलरेडी है sin²θ - cos²θ, तो ये और ये कट ही गया तो बचा क्या sin²θ + cos²θ = 1। पता है फार्मूला से ही होता है, इक्वल टू क्या लिख देंगे आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लेना, और जहाँ भी दिक्कत हो जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट में बता देना, उसका मिल जाएगा थ्योरम भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।